और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम हमारा हक मांगते हैं। हरी की जय भी कहते हैं। हरी और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देखिए, पिछले एक महीने से हमने सांकेतिक ध्यान आकर्षण प्रदर्शन कर करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस विसंगति के बारे में पहले ही अवगत करा दिया था। विभिन्न माध्यम से, चाहे वो उनके OSD, CMO, CMR, सब जगह हमने एप्लीकेशन दे दी कि ये जो भेदभाव तरीके से हमारे को OPS दी जा रही है, इसमें विसंगतियां हैं। इसमें राशि जो है वो कोई छोटी राशि नहीं है। 20 से 25 लाख रुपये एक कर्मचारी को आज जमा करा कर अगर उसको OPS में आना पड़े तो ये शायद उसके लिए दुर्भाग्य है कि उसने पूरी ज़िंदगी तो सरकार के अधीन रहकर कार्य किया और जब उसको देने की बात आई तो उसको सरकारी कर्मचारी ना मानते हुए उसके साथ दोहरी नीति अपना दी आपने। आपने उनके लिए तो पैसा जमा कराने की शर्त लगा दी और जो सरकार का अन्य कर्मचारी है उसके ऊपर ये शर्त नहीं लगाई। दूसरा बिंदु, सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय सब आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय 1990 में, अगर आप बात करें जब पेंशन की योजना आई थी, तब ये 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे सरकार के पास। राजस्थान विश्वविद्यालय उसमें से एक था। आज राजस्थान विश्वविद्यालय को आपने लगभग 7 से 8 विश्वविद्यालय निकाल कर अलग से बना दिए, जबकि रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो जनरेट हो ही नहीं रहे ना। तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय दिन ब दिन आर्थिक जो कमजोरी है उसको सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे विश्वविद्यालय के अकाउंट में 60 करोड़ रुपये पेंशन का पड़ा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक चलेगा। 2025 की स्थिति में राजस्थान विश्वविद्यालय को अगर पेंशन की आर्थिक तंगी नहीं आ जाए तो हम यहीं बैठे हैं, जब अगर इसका समाधान नहीं किया जाए। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान आकर्षण हेतु आज हमने संकेतात्मक रूप से पदयात्रा निकाली कुलपति सचिवालय से लेकर महात्मा गांधी सर्कल तक और वहाँ से वापस कुलपति सचिवालय। और ये पदयात्रा हमने सांकेतिक सभी शिक्षक कर्मचारियों ने छुट्टी लेकर निकाली है और ये संकेत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि ये जो विसंगति है, जो हमारी जायज मांग है, इसको जल्दी से जल्दी दूर करें ताकि हम हमारी क्लासों में वापस जा सकें। देखिए, राज्य सरकार ने जो OPS है वो जितने भी ऑटोनोमस बॉडी है उनको सशर्त OPS दे रहे हैं, जिसमें हमें नियोक्ता की जो राशि है वो ब्याज सहित जमा करवानी होगी, जबकि हम भी सरकार का अंग है। और जहाँ तक देखा जाए, यूनिवर्सिटी जो है एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशन है, हम प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो हमारा जितना अंशदान बनता है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार को देना चाहिए। इसी शर्त को लेकर, इसी बात को लेकर ये पूरा आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसमें सारे शिक्षक, सारे कर्मचारी सब एकजुट होकर एक ही आवाज़ गहलोत सरकार से कर रहे हैं। यह आंदोलन चलते हुए 10 दिन से ऊपर का समय हो गया और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम पूरा आंदोलन करते रहेंगे। डेजी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सर, ये हमें जो राज्य सरकार ने OPS स्कीम के द्वारा जो हमें लाभ दिया है वो एक आंशिक तरह का लाभ है जो हमें दिया गया है। तो हमारा जो ये धरना है और आज का ये जो पैदल मार्च है, आज हमारा 14 डे है और हम लोग लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि हमसे ये सौतेला व्यवहार ना किया जाए, जो कि राजकीय सेवाओं में जो रत हैं उन जो सेवारती हैं उनको जो हक दिया गया है बिना किसी अंशदान राशि के जमा करवाए उनको OPS लागू कर दिया गया है, तो वैसे ही हमें भी उसी तरीके से, उसी संदर्भ में हमें भी OPS का लाभ दिया जाए। प्रीति चौधरी। नहीं, पूर्ण OPS ये सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति है। जो सरकार में 2004 के बाद से जो कर्मचारी करे उनका भी NPS कट रहा था, जो राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय में 2004 में काम करे उसका भी NPS कट रहा था। तो क्या स्थितियाँ रही कि उनका भी पैसा वापस नहीं आया, सरकार वालों का भी, हमारा भी पैसा नहीं आएगा आया वापस। जब भी पैसा आएगा सरकार के पास आएगा। तो सरकार ने एक भेदभावपूर्ण तरीके से राज्य सरकार कर्मचारियों खुश करने के लिए उनसे एक रुपया भी नहीं लिया, जबकि उनका भी NPS का पैसा नहीं आया। और राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के समस्त 28 विश्वविद्यालयों, मेट्रो और लोक परिवहन, कुछ डिपार्टमेंटों के ऊपर 500 करोड़ का भार थोप दिया। अब ये 500 करोड़ रुपए सरकार क्यों लेना चाहती है इसको भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। अगर पैसा लेना तो सभी से लें और नहीं लेना है तो किसी से भी नहीं लें। इसलिए सबसे बड़ा ये भेदभावपूर्ण नीति जो सरकार की है, OPS के नाम पर तीन राज्यों में कांग्रेस सरकार ला चुकी है। तीनों राज्यों में जिस तरह से OPS लागू की गई है वहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं की गई है, वहाँ पर कोई अधूरापन लागू नहीं किया गया है, वहाँ पर सभी कर्मचारी जो स्वयंसेवी संस्थाओं के कर्मचारी थे जो सरकारी उनको सभी को दी गई है। तो फिर राजस्थान सरकार में पहली बार जिन्होंने OPS लागू दी वहाँ तो भेदभाव हो रहा है,
उनके बाद कर्नाटक झारखंड में ओपीएस देने वालों को सारी सुविधाएं मिल रही है और समान रूप से मिल रही है। अतः राज्य सरकार को चेताने के लिए हमने आज एक दिन का सांकेतिक बंद किया है। राज्य सरकार इस बहकाव में नहीं रहे कि एक दिन का सांकेतिक करके बंद हो जाएंगे, बिकॉज दैट कि ये आंदोलन डेढ़ महीने से पूरे राज्य स्तर चला हुआ है। उदयपुर यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, कोटा बंद पड़ी है, बीकानेर बंद पड़ी है और आज से लगभग ये भी बंद हो जाएगी। ये हमारा सांकेतिक था। सरकार अपना निर्णय लेते हुए पेंशन की जिम्मेदारी ले, राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह विश्वविद्यालय कर्मचारियों की भी, और पूर्ण ओपीएस लागू करें, यही मांग। हमारे सहायक कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हैं वो कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम में तो हम लोग रह गए कम, जो गरीबी रिटायरमेंट की तरफ आ गए हैं। अब 2004 के बाद जो हमारे सहायक कर्मचारी हैं वो इस सुविधा से वंचित हैं, लिहाजा हम इस सुविधा को लेने के लिए और इन सारे कर्मचारी संघ के जो अधिकार हैं उनको यथावत रखने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में इस सुविधा को लागू करवाने के लिए अशैक्षणिक कर्मचारी संघ, शिक्षक कर्मचारी सब एक ही आह्वान के साथ आज के आंदोलन में शामिल हैं। और ये आंदोलन पहली बार नहीं है, एक या डेढ़ महीने से ये आंदोलन बड़े सरल और सरलता से चल रहा था, आज पहली बार जो है ना इसको थोड़ी सी हमने उग्र रूप देने की कोशिश की है ताकि सरकार हमारी आवाज़ों को सुने और विश्वविद्यालय कर्मियों की आवाज़ों को चेतना में लाए और इस समस्या का समाधान करे, और नहीं तो आगे इस समस्या के बारे में हमारा ये संघर्ष बिल्कुल जारी रहेगा।